वेलकम बैक द अगेन आपके अपने चैनल डी फिटनेस ब्लॉग में। सो कैसे हो आप लोग, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज भाइयों मैंने शोल्डर की एक्सरसाइज लगाई थी, तो मैं ज़्यादा हेवी या ज़्यादा डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं करता, नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ और बेसिक सेट लगाता हूँ, उसी से मैं अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, देख सकते हो आप। और मैं दिखाता हूँ आपके लिए आज शोल्डर की छोटी छोटी एक्सरसाइज जो भी मैं लगाता हूँ। देखिए आप वीडियो में बने रहिए, मजा आएगा। तो भाइयों ये है अपने आदिल भाई। आदिल भाई की मैं पहले की कंडीशन दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन पे फोटो दिख जाएगा आदिल भाई का, और अब की कंडीशन देखो आदिल भाई की। आदिल भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब आदिल भाई की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको पूरी बॉडी दिखाऊंगा आदिल भाई की। और अभी आपने पोजिंग देखी होगी, आदिल भाई और मैं और एक भाई और थे अपने, वो साथ में पोजिंग कर रहे थे। तो आदिल भाई की बॉडी में थोड़ी मतलब और कटिंग वगैरह और मेहनत करके इम्प्रूवमेंट आएगी, तब आपको मैं दिखाऊंगा। आदिल भाई क्या कहना चाहोगे आप जो हमारे भाई देख रहे हैं वीडियो? बस कुछ नहीं, मेहनत करो भाइयों, और बस और एक बार दिखा दीजिए सक्सेस तो है खैर, और एक बार दिखा दीजिए बाइसेप का पोज। ये देखो ये आदिल भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आदिल भाई अपनी पोजिंग पर थोड़ा ध्यान देंगे, पोजिंग में काफ़ी मेहनत करनी है। नहीं आती है मुझे। हाँ देखो पोजिंग भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप बॉडी बना रहे हो या बॉडी में इंप्रूवमेंट ला रहे हो, तो उसके लिए मेन चीज़ होती है बहुत तगड़ी पोजिंग। अगर आपने कितनी भी अच्छी बॉडी बना लिया ना और आपकी पोजिंग सही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पोजिंग पे भी काफ़ी ध्यान दिया, हमें सिखा देंगे पोजिंग। नहीं भैया, गुरु जी कुछ नहीं, भाईचारा है, भाई लोगों का प्यार है, ठीक है। और आप देखना एक्सरसाइज जो भी हमने एक्सरसाइज करी है, ठीक है। बाकी कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाइयों।